पुस्तक अध्याय 34 अय्यूब की पुस्तक अध्याय 34। फिर एलीहू यो कहता गया, हे बुद्धिमानों मेरी बातें सुनो, और हे ज्ञानियों मेरी बातों पर कान लगाओ, क्योंकि जैसे जीभ से चखा जाता है वैसे ही वचन कान से परखे जाते हैं। जो कुछ भी ठीक है हम अपने लिए चुन ले, जो भला है हम आपस में समझ बूझ ले, क्योंकि अय्यूब ने कहा है कि मैं निर्दोष हूं और परमेश्वर ने मेरा हक मार दिया है। यद्यपि मैं सच्चाई पर हूं तो भी झूठा ठहरता हूं, मैं निरपराध हूं परंतु मेरा घाव असाध्य है। अय्यूब के तुल्य कौन शूरवीर है जो ईश्वर की निंदा पानी की नाई पीता है, और जो अनर्थ करने वालों का साथ देता और दुष्ट मनुष्यों की संगति रखता है। उसने तो कहा है कि मनुष्य को इससे कुछ लाभ नहीं कि वह आनंद से परमेश्वर की संगति रखे। इसलिए हे समझने वालों मेरी सुनो, यह संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। वह मनुष्य की करने का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। निसंदेह परमेश्वर दुष्टता नहीं करता और न सर्वशक्तिमान अन्याय करता है। किसने पृथ्वी को उसके हाथ में सौंप दिया, वह किसने सारे जगत का प्रबंध किया? यदि वह मनुष्य से अपना मन लगाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले तो सब देहधारी एक संग नाश हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए इसको सुनकर समझ रख और मेरी इन बातों पर कान लगा। जो न्याय का बैरी हो क्या वह शासन करे? जो पूर्ण धर्मी है क्या तू उसे दुष्ट ठहराएगा? वह राजा से कहता है कि तू नीच है और प्रधानों से कि तुम दुष्ट हो। परमेश्वर तो हकीमों का पक्ष नहीं करता, और धनी और कंगाल दोनों को अपने बनाए हुए जानकर उनमें कुछ भेद नहीं करता। आधी रात को पल भर में वे मर जाते हैं, और प्रजा के लोग हिलाए जाते और जाते रहते हैं, और प्रतापी लोग बिना हाथ उठाए उठा लिए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा व घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सके, क्योंकि उसको मनुष्य पर चित्त लगाने का कुछ प्रयोजन नहीं, ताकि वह परमेश्वर के सन्मुख अदालत में जाए। वह बड़े बड़े बलवानों को बिना पूछ पाछ के चूर चूर करता है और उसके स्थान पर औरों को खड़ा कर देता है। इसलिए वह उनके कामों को भली भांति जानता है। वह उन्हें रात में ऐसा उलट देता है कि वे चूर चूर हो जाते हैं। वह उन्हें दुष्ट जानकर सबों के देखते मारता है, क्योंकि उन्होंने उसके पीछे चलना छोड़ दिया है और उसके किसी मार्ग पर चित्त न लगाया, यहां तक कि उनके कारण कंगालों की दोहाई उस तक पहुंची और उसने दीन लोगों की दोहाई सुनी। जब वह चैन देता तो उसे कौन दोषी ठहरा सकता है, और जब वह मुंह फेर ले तब कौन उसका दर्शन पा सकता है? जाति भर के साथ और अकेले मनुष्य दोनों के साथ उसका यही बराबर व्यवहार है, ताकि भक्तिहीन राज्य करता न रहे और प्रजा फंदे में फंसाई न जाए। क्या किसी ने कभी परमेश्वर से कहा कि मैंने दंड सहा, अब मैं भविष्य में बुराई न करूंगा? जो कुछ मुझमें नहीं सूझ पड़ता वह तू मुझे सिखा दे, और यदि मैंने टेढ़ा काम किया हो तो भविष्य में वैसा न करूंगा। क्या वह तेरे ही मन के अनुसार बदला पाए? क्योंकि तू तो उससे अप्रसन्न है, क्योंकि तुझे निर्णय करना है न कि मुझे। इस कारण जो कुछ तुझे समझ पड़ता है वह कह दे। सब ज्ञानी पुरुष वरन जितने बुद्धिमान मेरी सुनते हैं वे मुझसे कहेंगे कि अय्यूब ज्ञान की बातें नहीं करता, और
न उसके वचन समझ के साथ होते हैं। भला होता कि अय्यूब अंत तक परीक्षा में रहता, क्योंकि उसने अनर्थियों के से उत्तर दिए हैं और वह अपने पाप में विरोध बढ़ाता है और हमारे बीच ताली बजाता है और परमेश्वर के विरुद्ध बहुत सी बातें बनाता है।